2024 में लोकसभा की सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच एक खबर गुजरात से निकल कर आई है जो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व नेता गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी महासचिव विनोद ताबड़े और हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें कि रोहन गुप्ता ने 22 मार्च को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा में जाते ही रोहन गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कितने विरोधाभास हो सकते हैं, एक संचार प्रभारी है जिनके नाम में राम है। जब सनातन धर्म का अपमान हो रहा था तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप चुप रहो। रोहन गुप्ता ने आगे कहा, देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया गया लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से जुड़े होने का आरोप था आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हाल ही में राजस्थान के गौरव बल्लभ और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव ने सनातन को आधार बनाकर पार्टी छोड़ी तो वहीं संजय निरुपम को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि संजय का दावा था कि उन्होंने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।